ये रहा गाइस, देख सकते हो गो मैकेनिक एक्सेसरीज इस तरीके के कुछ बॉक्स में ही आता है। वैक्यूम क्लीनर साइड में आप देख सकते हो कुछ कुछ डिटेल्स मेंशनड है। ये मैंने पैकेट फाटते टाइम मेरे से फट गया ये, और आप देख सकते हो क्या क्या मेंशनड है इसके ऊपर। 1799 प्राइस मेंशनड है, बट मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 806 रुपए में फ्लिपकार्ट के सेल से। आप देख सकते हो इस पर कुछ कुछ फीचर्स इसका मेंशनड है ऊपर से ओवरव्यू, और एक साल की इसके साथ वारंटी आ जाती है। पर आप देख सकते हो इसके आप बैक में क्या डिटेल्स है। 12 वोल्ट डीसी पे ये काम करता है, 60 वोल्ट पावर का मोटर है, 45,000 पीए कुछ भी होगा मुझे नहीं पता उतना डिटेल में। तो ये रहा देख सकते हो पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको मिल जाएगा। हमारा मेन वैक्यूम क्लीनर को निकालते हैं, एक्सेसरीज पे हम लोग आएंगे फिर। तो ये रहा देख सकते हो ब्लैक कलर में है, तो निकाल लेते हैं हमारे वैक्यूम क्लीनर को। तो ये रहा गाइज, आप देख सकते हो ब्लैक कलर में गो मैकेनिक का ये वैक्यूम क्लीनर जो खरीदा है मैंने फ्लिपकार्ट से सिर्फ और सिर्फ 806 रुपए का। और ऐसे ही आपको ऑफर्स में इतने का अराउंड मिल जाता है या फिर आपको 1000 के अंदर हमेशा मिल जाएगा। वैक्यूम क्लीनर काफी अच्छा है, लाइट वेट भी नहीं कहूंगा, ठीक ठाक सा वेट है इसके ऊपर। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन दिख जाएगा, ऑन करोगे काम करेगा, ऑफ करोगे बंद हो जाएगा। और इसे प्रेस करके आप इसको इजेक्ट कर सकते हो आगे के हेड को। देख सकते हो उसके अंदर आपको ये हैपा फिल्टर मिल जाता है जिसे आप धो करके यूज कर सकते हो सुखा करके फिर से। और इधर आप देख सकते हो इसके अंदर एक मोटर दिया गया है। तो इसका मैंने देखा था रेटिंग्स, तो यहाँ पावर रेटिंग्स वेबसाइट पर मेंशन था 110 वाट का इसका सक्शन पावर है। और आप देख सकते हो वायर की लेंथ काफी लंबी दी गई है, 5 मीटर का इसके साथ आपको वायर मिल जाता है। तो अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर में काफी अच्छा फिनिश है, प्रीमियम लग रहा है वैक्यूम क्लीनर। सो गाइस देख सकते हो बॉक्स के अंदर आपको कुछ और एक्सेसरीज मिल जाएंगी। आप देख सकते हो एक पाइप मिल जाएगा ताकि आप अंदर अंदर के एरिया तक आराम से नोजल को डाल करके क्लीन कर पाओ। तो गाइस देख सकते हो आपको इसके साथ एक अटैचमेंट मिल जाता है ब्रश वाला, इसे आप लगा के कहीं पे यूज कर सकते हो जहाँ पे डस्ट ज्यादा जम गया है। और आप देख सकते हो साथ में आपको एक लॉन्ग नोजल मिल जाएगा, एक प्लास्टिक का नोजल मिल जाएगा, 2 अटैचमेंट्स मिल जाएंगे इस पाइप को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं सीधे वैक्यूम क्लीनर को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसलिए वीडियो में आगे बने रहिए। वीडियो अभी तक देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। चलिए चलते हैं इसके टेस्टिंग पे। सो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं अपने कार पे आ चुका हूँ। मैं अभी आपको फिलहाल इस वाले वैक्यूम क्लीनर का यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए इस पे टेस्ट करते हैं और आपके सामने सब कुछ आपको दिख जाएगा कि कैसे इसका कितना सक्शन पावर है, किस तरीके से क्लीन करता है। तो हमें करना क्या है ना, आप नीचे देख सकते हो ये रहा मैट हमारा, हमने 11D मैट लगवा के रखा है। और आपको यहाँ पे गंदगी दिख रही होगी, ये रहा, ये सब ना बिना वैक्यूम क्लीनर के उठते ही नहीं थे, बाकी आप देख सकते हो। तो इस पे हम आते हैं फिलहाल। आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे डस्ट है, बालू है, पूरा रेत है यहाँ पे। ये रहा आप देख सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको वैक्यूम करके दिखाऊंगा। पीला पीला दिख रहा है ना, लाइनिंग सब में बालू घुसा हुआ है, रेत घुसा हुआ है, देख सकते हो। तो इसे क्लीन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारा वैक्यूम क्लीनर, तो खोल लेते हैं। सो ये रहा गाइस, आप देख सकते हो हमारा वैक्यूम क्लीनर, और हमें इसे लगाना है अपने इस वाले सॉकेट में। तो वायर काफी लंबा दिया गया है, आप चाहोगे तो इसे खोल सकते हो, वरना आप रहने दो। तो मेरे यहाँ से रीच आ जाएगा, काफी लंबा है। तो चलिए इस पे निकाल लेंगे हमारे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट को और यहाँ पे डाल लेंगे हमारे इस वाले के प्लग को। और इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे कार पे स्विच लगा देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे आप ऑन करोगे तो इस पे पावर आ जाएगा। और देख सकते हो काफी अच्छा सक्शन पावर है इसका, देख सकते हो। और ये लग गया है, अब हमारा रेडी टू वर्क है। मैंने वायर को खोल दिया ताकि आसानी से रीच पहुंच पाए, काफी लंबा वायर है, आप आगे से ही पीछे सीट तक पहुंच जाओगे। तो चलिए मैं आपको आगे क्लोजली दिखाता हूं कि किस तरीके से ये सक्शन करता है। यहां पे आप देख सकते हो इस जगह पे आपको जो रेत दिख रहा है इसे सक्शन करके मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा, काफी अच्छे तरीके से सक्शन कर ले रहा है। और इसके साथ आपको अलग अलग टिप्स मिल जाएंगे ना, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा देखो किस तरीके से क्लीन कर रहा है, काफी ज्यादा पावरफुल है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत ही अच्छा मिल गया है। आप कॉर्नर्स पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये क्लीन होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, आपको मैट्स को निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी साफ कर सकते हो। अब मैं आपको ये मैट निकाल करके अंदर का क्लीनिंग करके दिखाता हूँ। सो गाइस इन मैट को निकालना काफ़ी आसान है, यहाँ पे 2 लॉक्स रहते हैं, बस इस तरीके से आप इसे ओपन करके इसे बाहर निकाल सकते हो। अब आप देख सकते हो ये रहा हमारा नीचे का मैट। सो गाइस देख सकते हो इस तरीके का जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है इसके ऊपर ये अटैचमेंट अगर हम लोग लगा देते हैं तो उसके बाद जो नीचे का मैट आपको दिखा ना जिसपे बहुत ज़्यादा रेत घुस गया है तो उस पर हम लोग इसे लगा देंगे और इस तरीके से आप अगर उसे वैक्यूम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन होगा ब्रशिंग के साथ। ये मैं आपको पीछे के सीट पे दिखाता हूँ। कार में पीछे भी एक पॉइंट दिया गया है चार्जिंग सॉकेट का, वहाँ से भी इसे अटैच कर सकता हूँ, बट अभी मैंने इसे वहीं लगा के रखा, आगे ही लगा हुआ है फिलहाल, क्योंकि वायर इतना लंबा है कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप देख सकते हो बहुत जगह मैं पीछे वाले सीट पर आपको दिखाता हूँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, ये आप देख सकते हो पीला पीला पड़ा हुआ है। इस मैट को मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये रहा गाइस आप देख सकते हो।
और मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ, बहुत जगह पे आपको गंदगी दिख जाएगी। ये रहा, आप देख सकते हो, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन इन पोर्शंस पे आपको जो गंदगी दिख रही है ना, ये ब्रश वाला जो मैंने अटैचमेंट लगाया है, इससे काफ़ी अच्छी तरीके से निकलने वाला है। तो चलिए मैं आपको वैक्यूम करके दिखाता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्यूम करना। जितना भी आपका जो अंदर वाला फैब्रिक वाला मैट रहता है ना, मतलब कार का जो नीचे पे सबसे नीचे पे रहता है, उसे काफ़ी अच्छी तरीके से ये ब्रश वाला जो अटैचमेंट दिख रहा है, ये क्लीन कर दे रहा है। क्योंकि तो बाकी अटैचमेंट्स में क्या होता है ना कि वो उस पर आपका ऊपर ऊपर से क्लीन करता है, लेकिन ये पूरा एक एक को मतलब रगड़ करके साफ कर दे रहा है पूरा। आप देखना ना, अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि कितने बढ़िया तरीके से ये क्लीन कर चुका है। हर एक कार के लिए एक वैक्यूम क्लीनर रहना मस्ट है, क्योंकि काफ़ी नेसेसरी इक्विपमेंट है ये, एक्सेसरी है ये कार का। अपने कार को अगर आपको क्लीन करके रखना है तो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको मैट के नीचे दिखाता हूँ कि किस तरीके से रेत जो है घुस जाता है। तो इसे निकालने के लिए हमारा वैक्यूम से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से क्लीन होता है। अब चलिए इसे मैं आपको वैक्यूम करके दिखाता हूँ इस ब्रश वाले नोजल से। देखो कितने अच्छे से क्लीन कर रहा है, पूरा ही क्लीन कर देगा ये। सक्शन पावर काफ़ी अच्छी है। देखो सो आपने देखा अभी कितना गंदा था, अभी देखो फुल्ली क्लीन। तो आप देख सकते हो अब हमारा पीछे का मैट जो है एक साइड का कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो गया, बिल्कुल नए की तरह। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे वाले पोर्शन में क्लीन करके। सो गाइस, जैसे मैंने आपको अभी यूज़ करके दिखाया ना इस नोजल को, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क किया। अब इसे निकालते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको लॉन्ग वाला अटैचमेंट को कैसे लगाना है। सो देख लेंगे बॉक्स में, इस तरीके का हमारा बस तीन अटैचमेंट बचता है, एक पाइप वाला। इसे फिलहाल रख देते हैं डब्बे में, और आप देख सकते हो ये रहा हमारा नोजल। तो इसको आपको एक साइड पे लगाना है इस तरीके से, और दूसरे साइड में आपको इसको लगाना है इस तरीके से। हमारा लग चुका है। अब एक टिप आपका लग जाएगा इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर, जिसका टिप जो है थोड़ा छोटा है, और वो इसके अंदर चला जाएगा इस तरीके से। अब क्या है ना, आप आराम से लंबे लंबे इंटीरियर एरियाज पे भी वैक्यूम कर सकते हो। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सीट पीछे करनी है, या फिर आपको सब चीज़ निकाल करके आपको क्लीन करना पड़ेगा। लंबा सा एरिया मिल जाएगा आपको, तो आप आराम से इस तरीके से अंदर डाल करके क्लीन कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे हमारे ये लॉन्ग वाला अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा वैक्यूम क्लीनर, और इस तरीके से आपको बस इसमें लॉन्ग वाला अटैचमेंट को डालना है और वैक्यूम कर लेना है अंदर घुसा के इस तरीके से, और वो सारा डस्ट को ले करके बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको इस वैक्यूम को यूज़ करना है, और काफ़ी अच्छा इसका सक्शन पावर है। आपको इसे बस प्रेस करना है और इस तरीके से ओपन हो जाता है काफ़ी आसान तरीके से। और देखो जैसे ही ओपन करूँगा ना, इससे डस्ट गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको जो फिल्टर दिख रहा है, पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, इस तरीके से बस आपको उसे पकड़ करके निकाल देना है, और अंदर आप देख सकते हो कितना गंदा जमा हो चुका है। देखो काफ़ी ज़्यादा गंदा इसके अंदर जमा हो गया था, और ये रहा इसका फिल्टर। इसको आप झाड़ सकते हो या फिर वॉश भी कर सकते हो, वॉशेबल भी है, और उससे आप झाड़ भी सकते हो। और फिर से आपको लगाना है, तो इसी तरीके से उस टिप को ऊपर रख के आपको बस इसके अंदर इस तरीके से इसको अच्छे से अटैच कर देना है, ताकि ये खुले ना। और इसको आपको लगाने के लिए वापस बस आपको इसके अंदर इसको प्रेस करके इस तरीके से लॉक कर देना है। देखो हमारा ये लॉक हो चुका है। तो कैसा लगा आपको इसका अनबॉक्सिंग एंड इन डेप्थ रिव्यू, यूजेज रिव्यू कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। परचेस करना चाहते हो तो बिल्कुल परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्राइस में आता है, ज़रूर ले सकते हो। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ। फिर मिलते हैं इसी तरीके की कमिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।